नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टोर उपाध्याय। किसान नेता राकेश टिकैत मीडिया में अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं। वे जिस बेखौफ अंदाज में बात करते हैं, उनका वही अंदाज लोगों को उनकी ओर खींचता है। इसलिए कुछ किसान उन्हें अपना नेता भी मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नेता निडर होना चाहिए, तभी वो सिस्टम, समाज और सियासत से लड़ सकता है। लेकिन जब वही लीडर सियासत के लिए टूल बन जाता है, तो वो निडर से भीगी बिल्ली बन जाता है और उसे डर भी सताने लगता है। और लगता है कि राकेश टिकैत अभी उसी दौर से गुजर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर योगी की पुलिस जब राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने पहुंची, तो भरभराकर रोने वाले राकेश टिकैत अब एक फोन कॉल से डर गए हैं। जी हाँ, वे इस फर्जी कॉल से इतना डर गए कि उन्होंने महापंचायत में जाना ही रद्द कर दिया। कान खोल के सुन लो, कान खोल के। जी हाँ, दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरने का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से एक मेगा रैली करनी थी, लेकिन अब उस रैली में राकेश टिकैत शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे की वजह है एक फर्जी कॉल, जिसे राकेश टिकैत असली समझ बैठे और अपनी यात्रा ही रद्द कर दी। दरअसल पुलिस को बक्कल उतार देने की धमकी देने वाले राकेश टिकैत को एक अज्ञात शख्स ने एसपी बनकर फोन किया और कहा कि अगर वे महाराष्ट्र में आते हैं तो उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखने की चेतावनी दी। फर्जी एसपी ने कहा कि कोरोना की वजह से आपको रैली की मंजूरी नहीं है और अगर आप फिर भी आते हैं तो आपको यहां हम क्वारंटाइन कर देंगे। फिर क्या था, राकेश टिकैत ने तुरंत अपना फैसला बदल दिया और यवतमाल जाना कैंसिल कर दिया। लेकिन असल में यवतमाल के एसपी ने बताया कि उन्होंने इस तरह कोई कॉल नहीं की, तब मामले का खुलासा हुआ। आयोजकों ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को एक रैली में भाग लेने के लिए शनिवार को यवतमाल आना था। यह राज्य भर से 1 लाख से ज्यादा किसान जुटने वाले थे, लेकिन महाराष्ट्र में फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तो इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रैली के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद किसान मोर्चा ने नया आवेदन देते हुए कहा कि रैली में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने इस रैली को मंजूरी नहीं दी। हालांकि आयोजकों ने इस कार्यक्रम के रद्द होने की वजह एसपी के नाम पर एक फर्जी कॉल को बताया। इसकी पुष्टि किसान मोर्चा के महाराष्ट्र विंग के संदीप गिद्दी पाटिल ने की। उनके मुताबिक टिकैत को एक कॉल आई थी, जिसने खुद को यवतमाल का एसपी बताया था। उन्होंने टिकैत को जिले का दौरा करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वीकेयू नेता यवतमाल का दौरा करते हैं तो उन्हें 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। जिसके बाद राकेश टिकैत ने डर से न आने का फैसला किया कि क्वारंटाइन में रहने पर गाजीपुर साइट पर विरोध प्रदर्शन बाधित हो जाएगा। पाटिल ने आगे कहा कि जब ये पुष्टि की गई यवतमाल एसपी दिलीप भुजबल की ओर से कोई कॉल नहीं की गई, तो ये स्पष्ट हो गया कि टिकैत को महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करने से रोकने के लिए एक फर्जी कॉल किया गया था। हालांकि यवतमाल एसपी ने यह जरूर कहा है कि उन्होंने केवल आयोजकों को चेतावनी जरूर दी थी कि अगर रैली हुई तो पुलिस सख्त एक्शन लेगी। तो इससे ये पता चलता है कि असल में पुलिस के बक्कल उतारने की धमकी देने वाले राकेश टिकैत साहब पुलिस से डरते हैं। उनके मन में भी पुलिस का खौफ है। ऐसा नहीं है कि वो पुलिस को कुछ समझते नहीं है, वो तो बस भाषणों में थोड़ी जान लाने के लिए और किसानों को भड़काने के लिए इस तरह की बातें बोल देते हैं। लेकिन उन्हें भी पता है कि पुलिस तो पुलिस होती है, वो कानून पर आए तो नेता अभिनेता सबकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।